प्रसंग आता है कि दक्ष प्रजापति के बेटियां थी तिथि और अदिति। दक्ष प्रजापति ने दोनों बच्चियां अलग अलग नहीं रहे, साथ में रहे, इसलिए एक ही घर में ब्याह करा दिया और पति भी एक कश्यप ऋषि। दक्ष प्रजापति ने दोनों बच्चियों को एक ही पति से ब्याह दिया कि दोनों बहनें साथ में रहेगी, आनंद से रहेगी। अब खानदान देखो तो पिता का एक ही खानदान है, क्योंकि दोनों के अलग अलग पिता नहीं और पति भी एक है, इसलिए संतान मामेरे और ददेरे दोनों के हिसाब से तो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन भागवत में लिखा है कि दिति के राक्षस हुए और अदिति के देवता हुए। आखिर क्या कारण था? शास्त्र कहते हैं कि कारण था पयोव्रत। दिति ने पयोव्रत नहीं किया और अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत का मतलब होता है गौ के दूध पर रह करके किया जाने वाला व्रत, जिसमें जंगली जानवर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करके फिर सिर्फ गौ माता के दूध पर रह करके और व्रत किया जाता है अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए। उसके साथ में नियम होते हैं कि जब गर्भ में बच्चा हो तब नारी अपने हाथ की गट्टी से दलिया बना के और खुद अपने हाथ से गौ को खिला करके 7 फेरी गौ की लगाए और रात को सोते समय अपने ही द्वारा सेवा को ही गाय माता का दूध भगवान का प्रसाद समझ करके पिए। इस रीति से अगर कोई नारी व्रत करती है तो उस नारी को